नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है विघ्न विनाशक द्वादश नाम स्तोत्र तथा भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों की संक्षिप्त कथा। ओम समूकश्चे कदंतश्चे कपिलो गज कर्णकः लंबोदरश्चे विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशतानि नमानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गम तथा संग्राम संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते। इसमें भगवान श्री गणेश जी के 12 नामों का वर्णन किया गया है, जिनमें क्रमशः हैं 1 सुमुख, 2 एकदंत, 3 कपिल, 4 गजकर्णक, 5 लंबोदर, 6 विकट, 7 विघ्न नाशक, 8 विनायक, 9 धूम्रकेतु, 10 गणाध्यक्ष, 11 भालचंद्र, 12 गजानन। भगवान श्री गणेश के इन 12 नामों को विद्या आरंभ काल में, विवाह काल में, प्रवेश काल में, निर्गम काल में अर्थात यात्रा के समय और संग्राम के समय तथा संकट के समय जो पढ़ता अथवा सुनता है उनको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता है। अब मैं आपको भगवान गणेश के 8 अवतारों की संक्षिप्त कथा के विषय में बताने जा रहा हूं। 1 वक्रतुंड अवतार। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ। मत्सरासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भी भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को भी प्रताड़ित करना शुरू किया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें, गणपति वक्रतुंड अवतार होकर आएंगे, तब उसका वध किया हो जाएगा। देवताओं ने घोर आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड का लिया अवतार। वक्रतुंड भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और उसके साथ ही मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त भी बन गया था। 2 एकदंत अवतार। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह ऋषि च्यवन का पुत्र भी कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, 1 दांत था, उनका उदर अर्थात पेट बहुत बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में 1 पाश, परशु और 1 खिला हुआ कमल था। भगवान एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। 3 महोदर अवतार। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के विरुद्ध खड़ा किया। मोहासुर ने उस मुक्ति बहुत परेशान देवताओं को करना शुरू किया। उसकी मुक्ति के लिए देवताओं ने पुनः भगवान गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वो मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। 4
गजानन अवतार, एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर पहुंचते हैं। वहां पार्वती को देखकर कुबेर के मन में काम की भावना जाग उठती है। उसी लोभ से उस लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना शुरू की। शिव तो लोभासुर से प्रसन्न हो गए, उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दे दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया, सब उससे परेशान रहने लगे। स्वयं शिव को भी उसके लिए कैलाश को त्याग कर देना पड़ा। तब देव गुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा, उसको ललकारा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। 5 लंबोदर अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हुए और उन्हीं के शुक्र से एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान प्राप्त कर लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए, वे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उनको रोक लिया, क्रोधासुर को समझाया और उसे आभास भी कराया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब कुछ त्याग कर पाताल लोक में चला गया। 6 विकट अवतार। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रैलोक के विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य देवताओं की तरह देवताओं पर अत्याचार शुरू करने शुरू कर दिए। तब सारे देवता भगवान गणेश का ध्यान किए और गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। 7 विघ्न राज अवतार। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत करते करते बहुत तेजी से हंस पड़ती हैं। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम रखा मम, अर्थात ममता। तब वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं उसकी भेंट हुई राक्षस शंबरासुर से। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने के लिए बोला। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ भी कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्य राज के पद से विभूषित भी किया। ममासुर ने फिर पुनः अत्याचार करना शुरू किया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन किया, देवताओं को उनके बंधन से छुड़वाया। 8 धूम्रवण अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा सूर्य देव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त किया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया और उन्हें छींक आई। इस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उनको अपना गुरु बना लिया। वह अहम से अहम तस्सुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य भी बना लिया और भगवान गणेश को तब से प्रसन्न करके वरदान भी प्राप्त कर लिए। फिर उसने बहुत अत्याचार और अनाचार करना शुरू किया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में उतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था, बहुत विकराल स्वरूप बनाया। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत अधिक ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का प्रभाव किया, उसको हराया और उसे युद्ध में हराकर उसको अपनी भक्ति प्रदान की। आज दिनांक 28 नवंबर 2023, दिन मंगलवार, मार्गशीर मास, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, तिथि शरद ऋतु, सूर्योदय 6:55 प्रातःकाल,
सूर्यास्त 5:20, सायंकाल। मेख राशि, भाग्यशाली अंक 9। आज स्वास्थ्य निम्न अवस्था में बने रहने की संभावना है, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक की सहायता भी प्राप्त करें। योग व्यायाम ध्यान में निरंतरता बनाए रहें। आर्थिक स्थिति कुछ निम्न अवस्था में बने रहने की संभावना है, अनावश्यक खरीदारी ना करें, सोच विचार कर ही खर्च करें। और पारिवारिक सहयोग सुख प्रेम बना रहेगा। कार्यस्थल परिस्थिति मजबूत बनी रहने की पूर्ण संभावनाएं हैं। नई योजना बनाएं, उनको क्रियान्वयन भी करें। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग और प्रेम की प्राप्ति होगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाएं। भगवान शिव जी को दूध कच्चा मीठा मिला जल अर्पित करें। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। कोई चांदी की चीज अपने पास रखना आपको लाभकारी होगा। वृक राशि, भाग्यशाली अंक 8। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है, साथ ही सचेत रहने की भी आवश्यकता है। प्रातःकालीन भ्रमण योग व्यायाम निरंतरता से करते रहें, लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति न्यूनाधिक अर्थात निम्न अवस्था से कुछ अधिक अवस्था में बने रहने की संभावना है, सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता है। पारिवारिक प्रेम स्नेह की पूर्ण अपेक्षा की इससे कुछ कम की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल का वातावरण निम्न अवस्था में बने रहने की संभावना है, कोई समस्या भी सम्मुख आ सकती है। सहयोगी अधिकारियों से सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग मध्यम अवस्था में आपको प्राप्त होने की संभावना है। कहीं पर घूमने का कार्यक्रम बनाइएगा, पारिवारिक वातावरण अच्छा बना रहेगा। आज के दिन आप सफेद रंग को परिधान और भोजन में प्रधानता दें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, भाग्यशाली अंक 6। स्वास्थ्य उत्तम बने रहने की संभावना है, ध्यान प्रातःकालीन भ्रमण स्वाध्याय और योग निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति ठीक बने रहने की संभावना है, अचानक कोई धन खर्च करने की भी स्थिति बन सकती है। पारिवारिक स्नेह प्रेम की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होने की संभावना है। कार्यस्थल परिस्थिति निम्न बने रहने की वाली हो सकती है। सहयोगी और अधिकारियों से किसी बात से तनाव की स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग की निम्न रूप में प्राप्ति होने की संभावना है। आज आप सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद चंदन का तिलक धारण करें, शांति मिलेगी। कर्क राशि, भाग्यशाली अंक 1। स्वास्थ्य उत्तमावस्था में रहने की आशा है, ध्यान योग निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति निम्न अवस्था में बनी रहने की संभावना है, अचानक खर्चे भी करने की संभावनाएं बन रही हैं। परिवार के प्रेम स्नेह की पूर्ण अवस्था में प्राप्ति होगी, उनसे सहयोग भी मिलेगा। कार्यस्थल परिस्थिति उत्तम मजबूत बनी रहेगी। नई योजना बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके सहयोगी आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आज जीवन साथी से स्नेह प्रेम निम्न अवस्था में प्राप्त होने की संभावना है, उनको आज आप नारंगी रंग का उपहार दें और पारिवारिक वातावरण को सुंदर बनाएं। आज के दिन आप भी नारंगी वस्त्र धारण करें, क्रोध का परित्याग करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि, भाग्यशाली अंक 8। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में है किंतु अच्छा बना रहेगा। प्रातःकालीन भ्रमण योग ध्यान निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति सर्वोत्तम अवस्था में रहने की संभावना है। पारिवारिक प्रेम सहयोग में भरपूर रूप से आपको प्राप्ति होगी। कार्यस्थल परिस्थिति मध्यम बनी रहने की आशा है। अनावश्यक वार्तालाप से बचें। जीवन साथी से पूर्ण प्रेम स्नेह की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा बने रहने की आशा है। आज आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें तथा पीले चंदन का तिलक धारण करें, आपको लाभ होगा। कन्या राशि, भाग्यशाली अंक 7। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। सात्विक भोजन लें, बाहर के भोजन से बचें, व्यायाम योग में निरंतरता बनाए रहें। आर्थिक स्थिति उत्तम अवस्था में रहने की संभावना है, निवेश की योजना आपके लिए लाभकारी होगी। पारिवारिक प्रेम स्नेह की मध्यम रूप में प्राप्ति होगी। कार्यस्थल परिस्थिति उत्तम बनी रहने की आशा है। अधिकारी सहयोगी आपके साथ सहयोगी बने रहेंगे। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग कुछ मध्यम अवस्था में आपको प्राप्त होने की आशा है।
आज आप उनको लाल रंग का उपहार भेंट करिएगा। आप भी लाल रंग को वस्त्रों और भोजन में प्रधानता दें। रोटी और गुड़ गौ माता को खिलाइएगा। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण कीजिएगा। तुला राशि, भाग्यशाली अंक 9। स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में बने रहने की संभावना है। स्थायित्व के लिए नियमित ध्यान, योग, भ्रमण करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति भी उत्तम अवस्था में बने रहने की आशा है। पारिवारिक प्रेम और स्नेह मध्यम अवस्था में मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि स्थिति निम्न अवस्था में बनी हुई है। जीवन साथी से प्रेम एवं सहयोग निम्न रूप में ही प्राप्त होने वाला है। उनको कोई आज आप पीली वस्तु का उपहार भेंट करें। क्रोध का परित्याग करें, वाणी पर संयम रखें। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली अंक 2। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। योग, व्यायाम, ध्यान, प्रातःकालीन भ्रमण निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति भी मध्यम बनी रहेगी। सावधानी से खर्चा करने की आवश्यकता है। पारिवारिक वातावरण पूर्व की अपेक्षा कुछ ठीक बना रहेगा। कार्यस्थल परिस्थिति मध्यम स्तर की बने रहने की संभावना है। सहयोगी अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की भरपूर प्राप्ति होने की संभावना है। कहीं पारिवारिक भ्रमण का कार्यक्रम बनाइएगा। नारंगी रंग का प्रयोग करें, लाल तिलक धारण करें, आपको लाभ होगा। धनु राशि, भाग्यशाली अंक 8। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। साथ ही ध्यान भी देने की आवश्यकता है। निरंतर ध्यान, योग, भ्रमण कीजिएगा। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से भी भेंट करें, लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मध्यम अवस्था में बनी रहेगी। सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता है। कहीं पर धन भी खर्च हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर खर्चा करें। पारिवारिक प्रेम स्नेह सहयोग कुछ कमी के साथ आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल परिस्थिति मजबूत अवस्था में बने रहने की संभावना है। आपके अपने सहयोगी और अधिकारी से आपको सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम स्नेह पूर्व की अपेक्षा कुछ मध्यम अवस्था मिलने की संभावना है। आज आप वस्त्रों में लाइट ब्राउन को प्रयोग में लाएं। मस्तक पर लाल चंदन का तिलक धारण करें, लाभ होगा। मकर राशि, भाग्यशाली अंक 8। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। ध्यान योग में निरंतरता से आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत स्थिति में है। निवेश की योजना बनाइए, भविष्य में लाभ लेकर आएगी। परिवार के प्रेम स्नेह की मध्यम रूप में प्राप्ति होगी। सबसे मधुर व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करें, क्रोध ना करें। कार्यस्थल पर स्थिति ठीक बनी रहने वाली हो सकती है। जीवन साथी से भरपूर प्रेम और स्नेह की प्राप्ति की संभावना है। आज आप सफेद वस्त्रों को धारण करें, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइए और साथ ही अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लें। कुंभ राशि, भाग्यशाली अंक 6। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बना रहेगा। खान पान पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। सोच समझ कर खर्च करें। परिवार से प्रेम सहयोग की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। सबसे आप मधुरता का वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कार्यस्थल परिस्थिति अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती। जीवन साथी से प्रेम सहयोग कुछ निम्न अवस्था में प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। अनावश्यक व्यस्त से बचें, उनके साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाएं। आज आप हरा वस्त्र और हरा ही खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। देवस्थान में सतनजा दान में दें और किसी जरूरतमंद को उन्हें वस्त्र या कंबल का दान दें तो और भी लाभ होगा। मीन राशि, भाग्यशाली अंक 3। स्वास्थ्य के मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। साथ ही इसी का ध्यान भी रखना होगा। सात्विक भोजन, भ्रमण, योग निरंतर करिएगा। आर्थिक स्थिति कुछ निम्न अवस्था लिए हुए बने रहने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक प्रेम और स्नेह की भी कुछ कमी के साथ प्राप्ति होगी। कार्यस्थल परिस्थिति मध्यम अवस्था में बनी रह सकती है। सहयोगी अधिकारी का साथ मिलता रहेगा। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह की पूर्ण रूप से प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाइए, वस्त्रों में सफेद रंग का उपयोग करिए और किसी देव स्थान पर अन्न धन की सेवा करें। आनंद मिलेगा, लाभ होगा। बस आज इतना ही, तो बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर। देश विदेश की ताजा जानकारियों के साथ राशिफल, मासिक राशिफल, धार्मिक जानकारियों के लिए यही
दैनिक राशिफल हमारे दैनिक समाचार पत्र पब्लिक एशिया में भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री सियाराम।